भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अब कंट्रोल में है। अब हर दिन 1 लाख से भी कम केस आ रहे हैं, लेकिन मरीजों के जान जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। राहत की बात यह है कि धीरे धीरे हालात अब काबू में आ रहे हैं। वैक्सीनेशन का कोविड के प्रकोप पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। देश में लंबे वक्त से लोगों का टीकाकरण जारी है और जो वैक्सीनेट हो चुके हैं अब वो दोबारा दूसरी डोज लेने की तैयारी में है। हालांकि मौजूदा वक्त में टीकों की कमी के चलते दूसरी डोज को लेकर लोग चिंता में हैं। जी हाँ, लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। ऐसे में लोगों का ये भी कहना है कि अगर निर्धारित तारीख पर वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ले पाते हैं तब क्या होगा। तो बता दें, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर संभव हो सके तो निर्धारित तारीख पर ही वैक्सीनेशन कराएं, लेकिन किसी समस्या के चलते अगर उस डेट को वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं मिल पाती है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। दरअसल कई लोग ये मान रहे हैं कि तय समय पर दूसरी डोज ना लगने पर वैक्सीनेशन की पहली डोज बेकार हो जाएगी, बेअसर हो जाएगी। तो बता दें कि इस पर अभी भी कोई शोध नहीं हुआ है कि खुराक लेने में देरी होने से वैक्सीनेशन का असर कम हो जाएगा। हालांकि कोशिश करें कि निर्धारित डेट के नज़दीक ही या किसी दूसरी तारीख को चुनें, इससे आपको संक्रमण की संभावना कम रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।